होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त तरीके से अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मैं निखिल गोयल आप सभी का अनअकैडमी परिवार पर। आपकी खुशहाली की प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा ताकि आप लोग खुश रहो और पढ़कर हमारे देश का नाम रोशन करो। जल्दी से आप लोग बताएंगे प्यारे दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मैं एकदम मस्त शानदार बिंदास आ चुका हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। कल आपकी क्लास हो नहीं पाई थी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन आज आपकी क्लास कंटिन्यू तरीके से बेहतरीन तरीके से जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे प्यारे दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई एम वेटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग बताएंगे कैसे हैं। चले बहुत बढ़िया। अब्दुल वाहद, आशुतोष, प्रेम, निरंजन, राजकुमार हमारे साथ यहाँ पर बन चुके हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार है। देखिए हम लोग एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए आए हैं आप लोगों को। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पेड, जिसमें हम आप लोगों को डिटेल से चीजों को पढ़ाते हैं, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर एसएससी कैटेगरी में आप लोगों को हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है, और सेम चीज आप अपने मोबाइल की ऐप से कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे मोबाइल में तो वहां पर आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं निखिल गोयल के बारे में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं। और खास बात बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, आप लोगों की स्पेशल क्लासेस लगती है, बहुत जल्दी मैं स्पेशल क्लास लगाने वाला हूं आप लोगों की वहां पर। तो आप अनअकैडमी की ऐप पर आया करो और मेरी स्पेशल क्लास देखा करो, क्योंकि वो नॉलेज आप लोगों के लिए खास होती है। ठीक है, और वो टोटली एंड टोटली फ्री स्पेशल क्लास है, टोटल फ्री है। कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि आप लोगों को एक महीने का इतना देना होता है, एक साल का इतना देना होता है, दो साल का इतना देना होता है। इस कोड को अगर आप यूज करते हैं, कोड क्या है, NGLIVE, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इस कोड को यूज करने से 10% ऑफ मिलता है। प्लस आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इस कोड से आप लोगों को मेरे टेस्ट और मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो ये कोड अप्लाई जरूर करिएगा, आप लोगों को ऑफ भी मिलेगा और मेरे क्वेश्चंस और मेरे टेस्ट जो है वो आप लोगों तक आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। कोड क्या है, NGLIVE। 12 महीने का लेना ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, या फिर 2 साल का भी ले सकते हो अगर लंबे समय तक तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, चलते हैं, आज हम पढ़ने के हवाले से। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सैंड क्लासिफिकेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि सैंड जो है वो जनरली 6 टाइप से क्लासिफाई करी गई है। कौन कौन सी आती है, पहली आती है मेरी फाइन सैंड, दूसरी आती है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर मेरी कोर्स सैंड, और उसके बाद मेरी आती है तीसरी, दैट इज नोन टू बी एज द ग्रेवरली सैंड। ठीक है, चौथी मेरी यहाँ पर आती है, दैट इज नोन टू बी एज द पिट सैंड। पांचवी मेरी यहाँ पर आती है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिवर सैंड का, एंड द सिक्स्थ वन इज नोन टू बी एज द सी सैंड। ये तीन हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर ली थी और ये तीन हम लोगों के डिस्कस करना बाकी रह गया है यहाँ पर। चलिए अभी जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक आ रही है, थम्स अप करके जल्दी से बता दीजिए मेरी आवाज आप तक आ रही है अच्छे से। पहले से कुछ क्वालिटी में सुधार होगा आवाज में, पिक्चर आपको दिख रही है स्क्रीन पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थम्स अप करके जल्दी से बताएंगे बंधुओं आवाज आ रही है अच्छे से। और ये बच्चे कहाँ रह जाते हैं, समझ नहीं आता ये बच्चे कहाँ रह जाते हैं। आई वॉन्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट इन माई क्लास सो दैट दिस क्लास विल बी गोइंग टू कंटिन्यू। समझा करो मेरी बात को, ठीक है, चलो ऑल ओके। अभी बात को क्लियर करते हैं प्यारे दोस्तों कि हम लोगों को पिट सैंड के बारे में जानना है। शब्दों का महत्व होता है और आप लोग हमेशा शब्दों पर गौर फरमाया करो। पिट का मतलब क्या होता है, पिट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों गड्ढा। पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। सपोज ये आपकी जमीन है और इस जमीन में प्यारे दोस्तों आपने क्या करा, 1 से 2 मीटर का गड्ढा कर लिया, और इस गड्ढे को करने के बाद जो आप लोगों की बाहर मिट्टी निकल कर आती है उस मिट्टी को आप जनरली कहते हो पिट सैंड या फिर पिट सॉइल। ठीक है, अच्छा ये गड्ढा आप कहाँ करते हो, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, ये गड्ढा आप फाउंडेशन खोदने के टाइम पर करते हो, करते हो ना, सबने देखी है फाउंडेशन डिपार्टमेंट का गड्ढा होता है ये, जो फाउंडेशन बनानी होती है तो बहुत बड़ा गड्ढा भरा जाता है, उस गड्ढे को करना पिट सैंड वहां से हमें
मिलती है। एक खास बात, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा पिट सैंड का, इट इज फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। ये जो सैंड है ये आपकी ऑर्गेनिक मैटर से फ्री होती है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये सैंड आपकी ऑर्गेनिक मैटर से फ्री क्यों होती है, क्योंकि प्यारे दोस्तों मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि आप लोगों के जो पेड़ पौधे हैं, आप लोगों के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कुछ सतह तक होते हैं, कुछ सतह तक पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधों ये क्या है आपके, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो है ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर कुछ डेप्थ तक होते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर जहां तक है हम उससे गहरी डेप्थ तक खोद रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को ऑर्गेनिक मैटर मिलने के चांस कम होते हैं, और जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते, सो आई कैन से दैट इट इज अ गुड सैंड, यानी मेरे लिए ये गुड सैंड का काम करती है, आई कैन यूज इट एनहेंस या फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आई कैन से दैट, वेट मिनट, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आई कैन से दैट कि दिस सैंड कैन बी यूज इन द इंजीनियरिंग पर्पस, यूज इन ऑल इंजीनियरिंग पर्पस, हर इंजीनियरिंग पर्पस में इस मिट्टी का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरी बात को समझना, मैं आपके लिए दूसरा पॉइंट इस मिट्टी के लिए कहना चाहूंगा, इट इज अ कॉस्टली सैंड। ये क्या है, एक कॉस्टली सैंड पड़ जाती है, क्यों, क्योंकि भैया आप लोग इतना बड़ा गड्ढा खोदते हो, गड्ढा खोदने में पैसा लगता है, एक्सकवेटर आता है, उसके बाद इस लोगों के लिए ट्रॉलीज आती हैं, हम लोग मिट्टी को निकालते हैं वहां से, इसमें बहुत महंगा खर्चा आता है, तो हम क्या करते हैं अलग से कभी इस मिट्टी का यूज नहीं करते। जनरली प्यारे दोस्तों जब बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट जो मेरे पास होते हैं, उस लार्ज प्रोजेक्ट में जाहिर सी बात है हूबहू तरीके से हम लोगों को ये मिट्टी मिल जाती है, क्योंकि वहां पर फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, तो बड़े प्रोजेक्ट में पिट सैंड का यूज हम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, क्या होता है, एक छोटी सी चीज जो कि आपकी आईएएस लेवल की, पिट सैंड में छोटी सी चीज आपकी आईएएस लेवल की है, उस चीज को समझना। रामकरण यादव स्वागत है, लकी कुमार स्वागत है, महेश, प्रियंका, प्रेरणा, मुज्जू जगवा स्वागत है इन बच्चों का। उम्मीद है लेसन पसंद आएगा, लाइक का बटन दबाओगे और बच्चों को भी बताओगे, ठीक है, जरूर बताना यार, जरूरी है। अभी बात को समझना, चौथा पॉइंट क्या कह रहा था मैं आप लोगों को, कि ये जो आईएस लेवल का पॉइंट है कि आपकी इस मिट्टी के अंदर जनरली ऑक्साइड्स पाई जाती हैं, कोटिंग ऑफ ऑक्साइड इज बीइंग फाउंड इन दिस सैंड। इस मिट्टी के अंदर आप लोगों की ऑक्साइड की कोटिंग पाई जाती है, क्यों, क्योंकि मेरे इस कथन को और समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट को, मैंने कहा ये आपने एक मिट्टी की लेयर कंसीडर कर ली, ये वो मिट्टी की लेयर है जो आपने मेरे प्यारे दोस्तों कंसीडर कर ली है, ठीक है, ये वो लेयर है। इस मिट्टी की लेयर में आप लोगों को पता है ऊपर से आप हाई प्रेशर दे रहे हो और नीचे से इसको तगड़ी रिएक्शन मिल रही है। अभी इस मिट्टी के अंदर क्या है, इस मिट्टी के अंदर सॉलिड्स भी हैं और गैसेस भी हैं, समझने की कोशिश करना। ये मिट्टी यहां पर है, ऊपर से दबादा आपने हाई प्रेशर दिया और ये दब गई, दबने के कारण जो इसमें गैस थी वो गैस भी इसी में ट्रैप रह गई, और जब ये गैस इसमें ट्रैप रह गई तो मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है, पार्टिकल के चारों तरफ गैस एक लेयर बना लेती है जिसको कहा जाता है ऑक्साइड लेयर, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डीप नॉलेज देना चाहता हूं कि वी हैव टू एक्चुअली रिमूव, वी शुड रिमूव लेयर ऑफ ऑक्साइड, हम लोगों को ऑक्साइड की लेयर रिमूव करनी पड़ती है बिफोर यूज, यूज करने से पहले। अच्छा ऑक्साइड की लेयर कैसे रिमूव करते हैं, अरे ऑक्साइड क्या है, गैस है भैया, आप इसको क्या करते हो मिट्टी खोदने के बाद थोड़े टाइम के लिए खुले में छोड़ दो, आपने देखा भी होगा कंस्ट्रक्शन के टाइम पर मिट्टी को खुले में छोड़ा जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें से गैस निकल जाए, सिंपल सी बात है, और गैस अगर ट्रैप रह गई तो वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे जो कि बहुत नुकसानदायक मेरे लिए बन सकते हैं। इसीलिए लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, जेई और पीएसयू वाले यहां तक जाते नहीं है लेकिन आईएएस जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना, और एक नॉलेज वाली बात भी है। चले आगे की मेरी बात आती है यहां पर प्यारे दोस्तों, हाइड्रोलिक लाइन का प्लास्टरिंग में किया जाता है, हाँ ठीक है, हाइड्रोलिक लाइन प्लास्टरिंग में यूज होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो दैट इज नोन टू बी एज द रिवर सैंड। रिवर सैंड क्या होता है, ये मेरी नदी बहती हुई
नदी आ रही है और इस नदी के किनारे पर मेरे को कई सारे मिट्टी के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, उन मिट्टी को बोला जाता है प्यारे दोस्तों रिवर सैंड। ठीक है, अभी रिवर सैंड क्या है, अलोंग द रिवर, एक ही बात कहना चाहूंगा, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में कभी पढ़ा हो तो एक चीज पढ़ी है, वहां पर एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल आप लोगों ने वहां पर पढ़ा है और मैं जानता हूं कि प्यारे दोस्तों एल्यूवियल सॉइल जो है वो रिवर के बैंक के किनारे पर ही मिलती है, वाटर के बहते बहते मेरे को एक जगह पर आकर जमा हो जाती है, उसको कहा जाता है रिवर सैंड, समझ रहे हो। दूसरी बात, ये रिवर सैंड एक्चुअली फॉर्म्ड कैसे होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर सैंड फॉर्म जो होती है मेरे प्यारे बंधुओं, रिवर सैंड एक्चुअली एट्रिशन की वजह से फॉर्म होती है, एट्रिशन की वजह से फॉर्म होती है, एट्रिशन ऑफ पार्टिकल्स। एट्रिशन मैंने आप लोगों को स्टोन्स में पढ़ाया था क्या होता है, एट्रिशन एक्चुअली में एब्रेशन के सिमिलर होता है। एब्रेशन का मतलब होता है जब पार्टिकल आपस में घिसड़ते हैं तो घिसड़ने के कारण छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं जो कि महीन पार्टिकल होते हैं और वो सैंड का रूप धारण कर लेते हैं, मेरे नदी के किनारे पर आकर बैठ जाते हैं, एट्रिशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण ये फॉर्म हुआ। तीसरा पॉइंट इसका बनता है प्यारे दोस्तों, इट इज वेरी गुड सैंड, ये बहुत अच्छी सैंड है, इट इज वेरी गुड सैंड और ये बहुत अच्छी सैंड है, इट कैन बी यूज फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पस, यूज फॉर ऑल इंजीनियरिंग पर्पस, हर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करी जाती है। और चौथा एक नोट करके आप लोगों को इस बात में ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमनली यूज सैंड है ये, सबसे ज्यादा जो सैंड आप लोग यूज करते हो ना वो रिवर सैंड ही यूज करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे बंधुओं, इसको याद रखना, काम की बात, ठीक है, बहुत काम की बात है। लास्ट पॉइंट, चलिए अगली की बात पर आते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द रिवर सैंड, ओ सॉरी सी सैंड। सी सैंड एज द नेम सजेस्ट, जो समुद्र के किनारे मिलती है, मैं कहूंगा ऑन बीचेस, एक ही बात कहना चाहूंगा, ऑन बीचेस यानी गोवा में जो आपको मिट्टी मिलती है वो कहलाती है सी सैंड। और एक एडवाइस देना चाहूंगा मेरे प्यारे बंधुओं, जिंदगी में एक बार गोवा जरूर जाकर आना, ऐसा एक सपना होना चाहिए, मेरा भी सपना ही है ये, सुना है मैंने ऐसा अपने बड़ों से कि जिंदगी में एक बार गोवा जरूर जाकर आना, वो भी एक अलग जन्नत का नजारा है। ठीक है, चलिए सी सैंड की बात करते हैं, तो ऑन बीचेस मिलती है। अच्छा एक छोटी सी बात, अरे समुद्र से आई हुई मिट्टी में तो नमक होगा, आई विल से दैट इट कंटेन्स सॉल्ट, इस मिट्टी के अंदर नमक है, सो इट कैन अब्सॉर्ब मॉइस्चर। अभी ये मिट्टी क्या करती है, ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेती है। अभी मैं कह सकता हूं अगर ये मेरे मिट्टी को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, ये इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज हो ही नहीं सकती। ऐसा नोट्स बनाते रहना क्योंकि मेरी लिखावट जो है ये ज्यादा अच्छी नहीं है। चलो अभी ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि नोट करके कलर की बातें देखो, रिवर सैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो रिवर सैंड का कलर कैसा होता है, मैं कहूंगा रिवर सैंड का कलर जनरली आपको व्हाइट मिलता है, ये व्हाइट और ग्रे ऐसा लिखो। और अगर आप सी सैंड की बात करते हो, ये देखो आपके एसएससी के अकॉर्डिंग है, प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, सी सैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो सी सैंड जनरली मुझे ब्राउन कलर की मिलती है। कैसे मिलती है, ब्राउन कलर की, बीचेस पे जो सैंड होती है। और पिट सैंड की अगर मैं बात करता हूं तो पिट सैंड का कलर जो होता है ये ब्राउन से लेकर ब्लैक की कैटेगरी में आ जाता है। मेरे इस कथन को जरा कलर की हेल्प से समझाऊंगा, आप लोग मेरे कलर को देखना, अभी ये इधर से कोई आपको ये कलर दिख रहा है, देखो ये ब्राउन से लास्ट वाली लाइन को जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ब्राउन से लेकर एक्चुअली डार्क ब्राउन तक जा रहा है और डार्क ब्राउन से फिर इस लाइन पर आ जाओ, ये ब्लैक कलर, ये वाला ये कर्सर मूव कर रहा है ना, मेरे को लास्ट वाले को देखो और इस वाले को देखो, इस तरह से इसका कलर मूव करता है अलग अलग कंपोजिशन के साथ। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलो अभी एक बच्चे ने मुझे कहा कि एनोड सैंड के बारे में बता दो, तो छोटा सा टॉपिक है बता देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं एनोड सैंड के बारे में, नोट करके लिख लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। अभी यहाँ पर लिखवाता हूँ, छोटी सी चीज है एनोर सैंड। एनोर सैंड आपकी क्या है,
मैं कहना चाहूंगा स्टैंडर्ड सैंड है, सबसे ज्यादा जो आप इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में यूज करते हो वह नॉर सैंड होती है। इट इज अ कैटेगरी ऑफ रिवर सैंड, ये एक रिवर सैंड का कैटेगरी है। जनरली आपको कहाँ पर मिलता है? फाउंड इन केरला। अभी पिक्चर नहीं है मेरे पास, वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, सॉइल में एक टेस्ट होता है दैट इज नोन टू बी एज द सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा, जो कि मैं पेड़ में पढ़ा रहा हूँ अभी। सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट। तो सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट में आप लोग कौन सी सैंड यूज करते हो? एनोर सैंड आप लोग वहां पर यूज करते हो। ये एक स्टैंडर्ड सैंड है, आप लोगों को याद रखना है। इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई एग्जाम, क्योंकि आज से पहले एक बार ही पूछा है, बस एक बार ही, बहुत साल पहले, लेकिन पूछ चुका है तो इम्पोर्टेंट बन चुका है। इसीलिए एनोर सैंड के बारे में आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो, वो जो भी पढ़ाया सैंड के बारे में समझ आ गया? अभी सैंड के बारे में कुछ और भी पढ़ाना है मुझे, जल्दी से थम्स अप करके बता दो मेरे प्यारे बंधु, फिर आप लोगों को कुछ खास बात बताता हूँ सैंड के बारे में। चलिए, बहुत बढ़िया। और बफरिंग, ये मधु जायसवाल, ये बफरिंग क्यों दिखा रहे हो भाई? महेश वर्मा भी बफरिंग दिखा रहे हैं, मेरे पास तो कोई बफरिंग नहीं हो रही। नहीं, सैंड का कोई जोन नहीं, ठीक है, सैंड का कोई जोन नहीं। चले, अभी एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अभी मेरी बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट आपके आईईएस में ना इस टॉपिक से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ रखा है, और मैं आपको बताऊं आईईएस में 2005 में एक क्वेश्चन आया था, एसएससी जेई में सेम क्वेश्चन 2016 में आया था, यूपी SSC JEE में सेम क्वेश्चन 2016 में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, कि एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है आपकी सैंड का, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार, ये फंक्शन क्या है, इस पर क्वेश्चन आया भैया, बहुत जरूरी है तो आप लोग इस पे ध्यान रखना। पहला फंक्शन होता है ये आपकी स्ट्रेंथ को तो छोड़ो, बल्किंग प्रोवाइड करता है। बल्किंग क्या होता है? जब हम सैंड एक्चुअली में आपकी मोटार के अंदर मिलाते हैं, तो आपकी मोटार की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है सैंड मिलाने से, पहला कॉज। दूसरा, मैं क्या कहूंगा, सेटिंग पर टाइम इफेक्टिव करता है। क्या होता है कि सैंड में वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स इन द सैंड, वॉइड्स इन द सैंड एब्जॉर्ब CO2। अभी करता क्या है आपको पता है, हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान CO2 निकलता है, तो वो वॉइड्स करते क्या है, वो वॉइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो सेटिंग अकर्स इफेक्टिवली, आपकी जो सेटिंग होती है वो अच्छे से हो जाती है, इसीलिए आपकी सेटिंग में भी ये काम करता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में भी वेरी करता है यहाँ पर, कैसे कि आपकी प्रपोर्शन या फिर वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन द मोटार, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन मोटार अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ। कैसे? इन इनवर्टेड यू कर्व मैनर, इनवर्टेड यू कर्व मैनर, ये क्या होता है इस चीज को क्लियर करेंगे यहां से प्यारे दोस्तों। ये एक है, यहां पर मैंने कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपकी सैंड है। आप एक टाइम पर मिलाते हो तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहां पर मिलती है आप लोगों को इस सैंड की क्वांटिटी पर, उसके बाद अगर सैंड इंक्रीज करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इस चीज को आप लोग याद रखना, बहुत काम की बात है। ठीक है, सैंड बल्किंग का काम करती है, सेटिंग में काम करती है, स्ट्रेंथ में काम करती है, एक और चीज होती है उसको कोई काम लेके नहीं है, बस इन्हीं से समझ आ जाएगा। एक शब्द याद रखना यहां पर लिखवा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, इस शब्द की तरफ ध्यान देना क्योंकि आपके एग्जाम में आया है 2-3 बार। एक्ट एज एडल्टरेंट, एडल्टरेंट क्या होता है? एडल्टरेंट प्यारे दोस्तों एक्चुअली में कहलाता है जो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, बल्किंग का जो काम करता है, दैट इज नोन टू बी एज द एडल्टरेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इसका प्यारे बंधुओं। हाँ, तो प्लास्टर वर्क में तो यूज कहते हैं हाइड्रोलिक लाइन को, यही तो कह रहे हैं श्रेय सिंह। बल्किंग का मतलब यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होना है और कुछ नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है,
भैया सैंड डालोगे तो 1 किलो में, अगर 1 किलो सैंड डाल दी तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, 2 किलो 2 लीटर का हो गया, तो वही चीज बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी एक और चीज सुनेंगे यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, सब्स्टिट्यूट ऑफ द सैंड। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन फिर भी एसएससी जेई थोड़ा सा जाने की कोशिश कर सकता है इस पार्ट पर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपको पता है, आप अगर सैंड का यूज करते जा रहे हो, मेरी प्यारी मिट्टी को यूज करते जा रहे हो, रिवर के किनारे खुदाई पे खुदाई करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जो आपकी रिवर खराब हो सकती है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो सकता है, और पिट सैंड यूज करते हो तो महंगी भी पड़ती है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि क्या बोलते हैं उसको, रोजाना यूज करना, डेली यूज ऑफ द सैंड। भैया इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी, ठीक है, डेली यूज ऑफ द सैंड कैन अफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस, ये आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, एज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर होने के नाते ये आपका फर्ज बनता है कि कुछ उसका सब्स्टिट्यूट निकाल कर लाओ। और क्या सब्स्टिट्यूट बना, जो जो सैंड के काम है वो आपको काम कराने। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप यूज करते हो सुर्खी। अच्छा सुर्खी क्या होता है, सुर्खी अभी पिक्चर नहीं है, गूगल पे सर्च करना प्लीज, होमवर्क है आप लोगों का, सुर्खी की पिक्चर गूगल पे सर्च करना, समझ आ जाएगा, कोई ऐसा खास नहीं। मुरम देखी है, मुरम जैसी होती है सुर्खी, सुर्खी यूज कर सकते हैं, लेकिन सुर्खी के अंदर बहुत स्ट्रेंथ नहीं होती। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, सुर्खी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग वर्क, सुर्खी प्लास्टरिंग वर्क में यूज नहीं करी जा सकती। क्यों, क्योंकि अभी आगे पढ़ानी है तो आगे बताऊंगा, ठीक है, मेरी बात को क्लियर करना। दूसरा, आप लोग यहाँ पर प्यारे दोस्तों अपने स्टोन डस्ट को यूज करते हो। स्टोन डस्ट क्या होता है कि देखो, आपको पता है आप स्टोन क्वेरी में पहाड़ों से छोटे छोटे पीसीज को निकालते हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर कुछ पाउडर फॉर्म भी आता है स्टोन का, तो जब पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है वहां चूरा बन जाता है, उनको कहा जाता है स्टोन डस्ट, ठीक है। स्टोन डस्ट क्या है, मैं कह रहा हूं ऑब्टेन फ्रॉम लाइम स्टोन। स्टोन डस्ट कहां से निकल कर आ रही है, लाइम स्टोन से निकल कर आ रही है, और लाइम स्टोन की खास बात आती है, लाइम स्टोन की खास बात आती है कि इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी जान होती है। और जान की अगर मैं बात कहूं यहां से प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना है कि भैया स्ट्रेंथ के काम आती है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। आप लोग इतने जल्दी से फीडबैक दो, और मैं 1 मिनट में आप लोगों को दोबारा से यहां पर आया, अभी यहीं पर हूं मैं, 1 मिनट में आया। आप लोग इतने थम्सअप करके बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया, अभी हम लोगों को प्यारे दोस्तों मोर्टार के बारे में पढ़ना है। सेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट में कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को। देखो मोर्टार क्या होता है, मोर्टार के बारे में अगर मैं आप लोगों को कहूं तो मोर्टार इज डिफाइंड एज प्यारे दोस्तों सीमेंट प्लस फाइन सैंड, फाइन पार्टिकल्स या फिर फाइन एग्रीगेट्स प्लस आप लोगों का वाटर, इन तीनों को जब आपस में मिक्स करा जाता है तो आपका मोर्टार निकल कर आता है। जिसको मोर्टार को आप यूज कहाँ पर करते हो, मैं कहना चाहूंगा मोर्टार आप लोगों का जनरली प्लास्टिक वर्क में काम आता है। दूसरा प्यारे दोस्तों आपका मैसनरी वर्क में काम आता है, समझ रहे हो। प्लास्टरिंग वर्क का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर मसाले की परत बिछाते हैं जिससे स्मूथ फिनिश हो जाता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों जब स्टोन्स को आपस में चिपकाना होता है या ब्रिक्स को आपस में चिपकाना होता है तो आप लोगों का ये काम आता है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा पॉइंटिंग वर्क में भी आप लोगों का ये काम आता है। ऑल्सो लेडीज एंड जेंटलमैन फ्लोरिंग वर्क, फ्लोरिंग वर्क आपको समझ आ रहा है। देखो फ्लोरिंग वर्क में दो तरह का मोर्टार आता है, एक होता है ड्राई मोर्टार, एक हो जाता है आपका वेट मोर्टार। इस चीज को समझने की कोशिश करना, जब आप लोग फाइन एग्रीगेट और सीमेंट को आपस में मिलाते हो तो इसको बोला जाता है ड्राई मोर्टार, उसके अंदर पानी है ही नहीं, और जिसमें पानी मिल जाता है उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों वेट मोर्टार। इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मेरी बात को यहां भी क्लियर करना, आप लोग आपको टाइल्स चिपकानी है, और जब आप लोग टाइल्स का यूज करते हो ना तो इस चीज को क्लियर करना, टाइल्स का यूज करने में आप
वेट मोर्टार का यूज करते हो, आप मसाला लगाते हो और उसको जमीन से चिपका देते हो, लेकिन या दीवार से चिपका देते हो, लेकिन जब आप मार्बल का यूज करते हो, मार्बल पत्थर जमीन में बिछाना होता है, तो आप कभी भी ध्यान देना उसके नीचे ना आप सूखा मसाला डालते हो, मतलब सूखा मसाला या फिर सैंड से उसको समतल बनाते हो और उसके ऊपर मार्बल बिछाते हो। क्यों ऐसा करा जाता है? क्योंकि हल्की सी कॉम्प्रेसिबिलिटी बढ़ जाए, मार्बल जो है वो मेरा क्या है, एक प्लास्टिक मटेरियल है, वो इलास्टिक है ही नहीं, वो मुड़ता नहीं है, तो नीचे अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी मिलती है सपोर्ट के साथ तो मेरा मार्बल को सपोर्ट मिलता है और वो टूटने से बच जाता है, एकमात्र यही रीजन है। तो ये चीज समझ आई आप लोगों को प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इन बातों को ध्यान में लेते हुए चलना, बहुत काम की बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मोर्टार में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना, मोर्टार में आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, चाहे आप आईएएस की बात कर लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, चाहे आप पीएसयू की बात कर लो, चाहे आप डीएमआरसी की बात कर लो, किसी की भी कर लो, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का सा है, वही समझा रहा हूँ, हर एग्जाम में काम आने वाला है आप लोगों के लिए। अभी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देखो मोर्टार की अगर आप क्लासिफिकेशन की बात यहां से करते हो मेरे प्यारे बंधुओं, तो सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी के बेसिस पर ना दो तरह के मोर्टार क्लासिफाई होते हैं, एक हो जाता है हैवी डेंसिटी मोर्टार, एक हो जाता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का लो डेंसिटी मोर्टार, या फिर लाइट मोर्टार भी कह सकते हो इसको, हैवी डेंसिटी मोर्टार या फिर लाइट डेंसिटी मोर्टार। अभी मैं आपको कहना चाहूंगा जिस मोर्टार का यूनिट वेट, क्या बोला मैंने यहाँ पर, जिस मोर्टार का यूनिट वेट 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से बड़ा आ जाता है, शब्दों पर गौर फरमाना, जिस मोर्टार का यूनिट वेट 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से बड़ा आ जाता है, ये क्या है, ये है आपका यूनिट वेट, उस मोर्टार को आप कहते हो हैवी मोर्टार। और जिस मोर्टार का यूनिट वेट आपके 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम आ जाता है उसको कहते हो लाइट मोर्टार। ये सबको मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, अभी मेजर बात आती है जो सबको नहीं बता रखी मैंने, वो ये है कि हैवी मोर्टार के अंदर आप किस चीज से इसको बनाते हो। मैं कहूंगा हैवी मोर्टार आपके हैवी स्टोन से बनता है, हैवी स्टोन कह लो या फिर हैवी एग्रीगेट्स कह लो, जो कि फाइन एग्रीगेट्स है। एग्जाम्पल लिखवा दूं डायरेक्ट आप लोगों को, यहाँ पर एग्जाम्पल ही लिख लो, हैवी मोर्टार आपका किससे बनता है, हैवी मोर्टार आपका क्वार्ट्ज से बनता है, और लाइट मोर्टार आपका किससे बनता है, प्यूमिस स्टोन से बनता है, परलाइट से बनता है, मेजरली प्यूमिस है, इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है भैया, मैं पहली कह रहा हूँ, बहुत काम आएगी, पेपर में आती है, ठीक है। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों दूसरी क्लासिफिकेशन, मटेरियल के बेसिस पर भी होती है, दूसरी क्या है, ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल्स। अच्छा पांच तरह के मोर्टार यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखना, क्योंकि एसएससी में कैटेगरी आई है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है 2017 का, एक्चुअली में यही पूछा था कि इनमें से कौन सी कैटेगरी मोर्टार की है ही नहीं, तो ये ध्यान रखना। पहला आता है मेरे प्यारे बंधुओं यहाँ पर लाइन मोर्टार, दूसरा आपका आता है यहाँ पर सीमेंट मोर्टार, तीसरा यहाँ पर आता है आपका गेज्ड मोर्टार, चौथा यहाँ पर आता है आपका जिप्सम मोर्टार, और पांचवा आपका आता है यहाँ पर सुर्खी मोर्टार, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, काफी काम आएगा, क्योंकि एग्जाम आजकल आपका डीप तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, आईएएस में कई बार इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एसएससी में आने के चांस है, तो ये चीज आप ध्यान रखना जो भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। चले पहला, प्लीज शेयर कर देना यार, शेयर आप लोग कर रहे हो, मुझे पता है शेयर आप लोग कर रहे हो, अभी पता है आप लोगों की शेयरिंग में गलती कहां हो रही है, आप लोग सिर्फ शेयर कर रहे हो, ठीक है। बच्चे को मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, दो मिनट लूंगा, कि मैंने आपको ये लेक्चर शेयर करा और इसमें मैंने डाल दिया मोर्टार, और मोर्टार मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कई बारी, और आपको पता है बच्चे बहुत लिमिटेड है सिविल इंजीनियरिंग के, जिन बच्चों को पढ़ रखा है मोर्टार के बारे में वो बच्चे तो यही सोचेंगे अरे पढ़ तो रखा है फिर क्यों आए, लेकिन उसके साथ अगर आप एक लाइन लिख दो कि भैया ये जो है नया कंटेंट है ऐसा जिंदगी में नहीं पढ़ाया, काफी चीजें नहीं बता देता हूं मैं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन जो मुझे अपने आप में लगता है ना, मैं खुद भी अपना लेक्चर देखता हूं कई बार, ये जो मैं बताता हूं ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, ये बड़ा बेहतरीन होता है, इससे चीजें याद हो जाती है, दिमाग में रहती है। तो आप अगर ये कह दो ना कि ये कंटेंट जो है एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, ये कंटेंट आज से पहले नहीं पढ़ाया, लेवल ऊपर है थोड़ा सा, तो बच्चे आने की कोशिश करें, और मैं चाहता हूं कि वो आए सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, व्यूज के लिए नहीं,
मैं चाहता हूँ कि जो मैं इंजीनियरिंग देना चाहता हूँ आप लोगों को, मुझे भी नहीं पता कितने टाइम तक पढ़ाता हूँ मैं आपको, सही में नहीं पता मुझे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ये लेक्चर आप लोगों के हटा ना दिए जाए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर आओ, पढ़ो, सीखो, नोट्स बनाओ। यही मेरा एकमात्र यहाँ पर विजन है, इसीलिए कहता हूँ लाइक करो, ताकि कोई सर्च करेगा तो अपनी वीडियो पहले आ जाती है, कंटेंट सुपर देने की कोशिश रहती है। ठीक है, लाइन मोटा। सबसे पहला पॉइंट, प्रिपेयर्ड फॉर्म कहाँ से प्रिपेयर्ड करा जाता है, एक ही बात कहना चाहूंगा, फैट लाइन या फिर हाइड्रोलिक लाइन। फैट लाइन और हाइड्रोलिक लाइन की हेल्प से ही इसको आप प्रिपेयर करते हो। दूसरा मैं कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, इसके अंदर प्लास्टिसिटी बहुत हाई होती है। तीसरा मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये जो है स्लोली सेट होता है, या फिर एक चीज कि ये हार्डन्स स्लोली, बहुत स्लोली स्लोली ये हार्ड होता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, मतलब समय लग जाता है इसको हार्ड होने में। ये जो चीजें बता रहा हूँ काम की है, ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं बात करना चाहूँ प्यारे दोस्तों आप लोगों से, तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ये तीसरा था ना, चौथी प्रॉपर्टी होती है कि लिटिल श्रिंकेज। श्रिंक जो है ये लिटिल श्रिंकेज, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी श्रिंकेज जो है वो कम होती है। चार प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। IAS में कौन सी आई थी, IAS में एक तो ये पूछी गई थी, एक ये पूछी गई थी, और उसमें से बताया था कौन सा सेंटेंस ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा अगला जो पॉइंट आता है, दैट इज नोन टू बी एज द सुर्खी, या फिर चलो सीमेंट बता देता हूँ पहले, चले अगला मेरा पॉइंट आता है, दैट इज नोन टू बी एज द सीमेंट मोर्टार। अभी सीमेंट मोर्टार की खास बात आती है कि भैया इसमें सीमेंट इज टू सैंड का जो रेशियो होता है, इंपॉर्टेंट है, वो कितना होना चाहिए, 1:2 से लेकर 1:6 के बीच आपका ये रेशियो वेरी करता है। जाहिर सी बात है इसके अंदर सीमेंट होगा, सैंड होगा और वाटर होगा, इन तीनों चीजों से आप इसको यूज करते हैं। मैं एक नोट करके आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा कि जो हमारे हाउस होल्ड्स में यूज होता है, वी यूज दिस इन होम्स, जो हमारी होम्स या फिर बिल्डिंग्स में यूज होता है वो हम इस मोर्टार को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्लियर करना चाहूंगा प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि ये यूज जनरली कहाँ होता है। पहली चीज आती है स्मूथ फिनिश। अरे वॉल्स पर आपने देखा होगा प्लास्टर करके चिकनी सतह स्मूथ फिनिश बनाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वहां पर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लास्टरिंग करने में और पॉइंटिंग करने में भी इसका हम खास उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट मेरे यहाँ पर आता है प्यारे दोस्तों कि हम इसका फ्लोरिंग्स में, अरे जो जो मैंने बताया सब वही है, कुछ खास नहीं होता। ठीक है, फ्लोरिंग्स में भी इसका हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास जो इंपॉर्टेंट मोर्टार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसके आगे स्टार, क्योंकि प्रचलन से थोड़ा सा बाहर चले जाता है। सीमेंट और लाइन कॉमन है लेकिन सुर्खी थोड़ा कॉमन नहीं है, और SSC वहां तक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। सुर्खी मोर्टार, सुर्खी मोर्टार क्या है, एक ही बात कहना चाहूंगा, व्हेन सैंड इज रिप्लेस्ड बाय, इस पॉइंट को जरा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, व्हेन सैंड इज रिप्लेस्ड बाय सुर्खी, तो उसको हम क्या कहते हैं, या तो मेरा सीमेंट होगा या मेरा लाइम होगा, प्लस इसके अंदर मेरा सुर्खी होता है, प्लस इसके अंदर मेरा वाटर होता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे, सीमेंट या लाइम, सुर्खी और वाटर, उसको कहते हैं सुर्खी मोर्टार। अभी एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करके बताता हूँ, IES में सारी चीजें पूछी गई है, और मेरा एम ही है, मैं आप लोगों के लिए IES का कंटेंट ला रहा हूँ, ये IES का कंटेंट है, IES है तो इसका मतलब हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे BPSC हो, चाहे WBPSC हो, चाहे झारखंड के लिए हो, चाहे उत्तराखंड के लिए हो, चाहे मध्य प्रदेश के लिए हो, चाहे दिल्ली वालों के लिए हो, दिल्ली का तो होता ही नहीं है, सब में काम आएगा, IAS के टेक्निकल्स में भी काम आता है। ठीक है, तो अभी बात आती है सुर्खी मोर्टार की, क्या है सुर्खी मोर्टार के लिए एक नोट करके बात करना चाहता हूं कि व्हेन सुर्खी इज यूज्ड इन लाइम देन वी यूज सैंड कितनी हाफ प्लस सुर्खी हाफ। ये क्या बोला जरा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका लाइम मोर्टार आपको बनाना है तो लाइम में 100% सुर्खी नहीं डालते कभी भी, लाइम में सैंड भी डाला जाता है और सुर्खी भी डाला जाता है, यानी हाफ ऑफ द सैंड इज रिप्लेस्ड बाय सुर्खी, दैट इज
लाइम मोर्टार, समझ रहे हो, लाइम सुर्खी मोर्टार। लाइम के केस में जब यूज करा जाता है तो हाफ सुर्खी और हाफ सैंड यूज करा जाता है, क्यों? बिकॉज सुर्खी रिएक्ट्स विद लाइम, सुर्खी जो है ये लाइम के साथ रिएक्ट कर जाती है और अपने आप को तोड़ देती है, ठीक है, इसलिए हम सुर्खी को लाइम में प्योर यूज नहीं करते। उसके बाद की अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक और पॉइंट लिखवाया था, इट इज नॉट यूज फॉर, सुर्खी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इट इज नॉट यूज फॉर प्लास्टरिंग वर्क। वाई इट इज नॉट यूज फॉर प्लास्टरिंग वर्क? वाई? बिकॉज इट एक्चुअली डिसइंटीग्रेट्स, ये अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिसके कारण हम इसको यूज नहीं करते, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद मेरा मोटार आता है, दैट इज नोन टू बी एज द जिप्सम मोटार। जिप्सम मोटार में क्या होता है, जिप्सम मोटार जनरली जहां पर जिप्सम यूज होता है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है। जिप्सम कहां पर यूज होता है? वॉल फिनिशिंग्स, वॉल फिनिशिंग्स में आप लोग इसको यूज करते हो। इसके बाद मेरा एक और कैटेगरी आता है, दैट इज नोन टू बी एज द गेज मोटार, इंपॉर्टेंट है काम में लेंगे। एक और पॉइंट लिखवाना था, चलो अभी लिखवा दूंगा। गेज मोटार क्या होता है? गेज मोटार मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में लेंगे इस चीज को, काफी कुछ पूछता है गेज मोटार से आप लोगों के लिए। गेज मोटार में क्या होता है कि कई बार लाइन मोटार के अंदर समटाइम्स सीमेंट इज एडेड इन लाइन मोटार, आप अपने लाइन मोटार के अंदर सीमेंट को ऐड कर देते हो, उसी मोटार को आप कहते हो गेज मोटार। यानी गेज में क्या है? सीमेंट प्लस लाइन है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गेज मोटार की मैंने बात करी, यहां से सीमेंट प्लस लाइन होता है, ये अलग है, उसके बाद ये अलग है, ऐसा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी सीमेंट प्लस लाइन मोटार को आप क्या कहते हो? गेज मोटार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में आईएएस में तो और एसएससी में भी पूछा, एसएससी जेई में कई बार ही पूछ लिया गेज मोटार के बारे में, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, बड़ी काम की बात है। अभी गेज मोटार की अगर मैं बात करना चाहूँ प्यारे दोस्तों, तो इसकी रेशियो कितनी होती है? 1:6 से लेकर 1:8 तक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काम की बात है, ठीक है। चलो ये क्या है? सीमेंट बाय लाइन की है, ये है आपकी सीमेंट और ये है आपकी लाइन, तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी, क्लियर है। चलिए ये चीज समझ आना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट और लिखवाता हूँ, देखो कैटेगरी बेसिस यहाँ भी होती है आप लोगों की, ये मिटाना पड़ेगा भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ये चलो यहाँ लिख देता हूँ। आप लोगों को एक और बताना चाहूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन बेसिस ऑफ यूज दो तरह के होते हैं, एक होता है आप लोगों का ब्रेक लाइन, एक होता है फिनिशिंग, एक होता है यहाँ पर ब्रेक लाइन, एक होता है आप लोगों का फिनिशिंग मोटार, ये चीज क्लियर करना, ठीक है। तो ब्रेक लाइन क्या होता है? ब्रेक लाइन मोटार जो आपके मशीनरी वर्क में काम आता है, और फिनिशिंग मोटार जो आपके प्लास्टरिंग में काम आता है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। ये मिटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि कुछ खास बात लिखवानी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक नोट करके बात को याद रखना, आपके काम आ सकती है यहाँ पर कि मैक्सिमम कुछ नोट करके इंपॉर्टेंट बातें, मैक्सिमम बल्किंग ऑफ द सैंड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात आ चुकी है मेरी यहाँ पर। मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड कब होती है? व्हेन मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज अबाउट व्हेन सैंड इज 5%, जब आपके मोटार के अंदर 5% सैंड होती है तो आपकी मैक्सिमम बल्किंग होने के चांस हो जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आईएएस का क्वेश्चन है एक्चुअली। दूसरी बात मैं वहां पर बताना चाहता हूँ कि पर्पस ऑफ सुर्खी मोटार, पर्पस ऑफ सुर्खी मोटार, मेजरली सुर्खी मोटार का पर्पस क्या होता है? मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, इंक्रीजेस हाइड्रोलिसिटी, इंक्रीजेस शब्द इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिटी। अभी हाइड्रोलिसिटी क्या होता है उस चीज को क्लियर करेंगे बंधुओं, आवाज आ रही है ना आप लोगों को अच्छे से? एक चीज बोलना चाहते हैं, देखिए हमारा भारत एक संस्कृति वाला देश है और अच्छा लगेगा अगर यह संस्कृति मेंटेन रहेगी तो,
एक टीचर के नाते मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, तो कृपया करके आपसे अनुरोध है, ऐसे अपशब्दों का यूज मत करा करो। आप जो शब्द हमें बोल रहे हो उसके बदले में हम आपको देवी बोलना चाहेंगे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हमारी मर्यादा होती है, वी शुड बी इन द मर्यादित रीजन सो दैट वी कैन बी द फॉलोअर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब ही हम भगवान तक भी पहुंच सकते हैं अच्छे से। मीन्स संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति जो हमारे भारत की, जिस संस्कृति के कारण भारत विश्व विख्यात है, भैया संस्कृति को फॉलो करो, ये अच्छे नहीं लगते हैं। हाइड्रोलिसिटी की मैं बात करूं यहाँ पर, तो हाइड्रोलिसिटी की बात आती है कोई चीज पानी के अंदर कितना सेट होती है। एक प्रियंका पढ़ी लिखी बच्ची है, अच्छे आंसर करती है, तो मैं कहना चाहूंगा टेंडेंसी टू सेट इन द वाटर, कोई भी चीज पानी के अंदर कितना सेट हो रही है वो चीज आपकी सुरखी मोटार। एक्चुअली में सुरखी का ये पर्पस होता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये चीज याद रखना है। आपके आईएएस में 2 बार ही पूछा गया है सेम क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है आपके एसएससी के लिए काम आता है। अच्छा ये मत सोचना बच्चों कि यार एसएससी की तैयारी कराने आता है या आईएएस क्यों पढ़ाता है, अरे वहां के क्वेश्चन एसएससी में डायरेक्ट आते हैं, रिपीटेड होते हैं, इसलिए वहां का कंटेंट उठा के लाता हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भरोसा करना। अच्छा बात आती है यहाँ से प्यारे दोस्तों, सीमेंट मोर्टार का जनरल यूज कहाँ पर होता है। सीमेंट मोर्टार का जनरल यूज प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ब्रिक मैसनरी में काम आता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और आप लोग अगर लाइम मोर्टार की बात करते हो तो लाइम मोर्टार का जनरल यूज आपका कहाँ पर आता है, स्टोन मैसनरी में काम आता है, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अच्छा एक बार जल्दी से बताना, आज भी साउंड बिगड़ी थी क्या, आज भी आप लोगों की साउंड बिगड़ी थी क्या, जल्दी से मुझे बताएंगे प्यारे दोस्तों। उसके बाद मुझे कुछ आप लोगों को खास पढ़ाना है, एक बार ये जल्दी से बताएंगे आज भी साउंड बिगड़ी थी क्या आप लोगों की। चलो आज अच्छी है ऐसा बोला गया, अभी इसको रब कर रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये सारी चीजें रब कर रहा हूं भैया, स्क्रीनशॉट लेते रहना इनका, क्योंकि मुझे कुछ खास पढ़ाना है और पेजेस कम पड़ गए। चल आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर, अरे साउंड ओके है यार, कम नहीं है, अपने मोबाइल का एक बार चेक करना, बुरा मत मानना। साउंड की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखो मोटार की, मोटार का कुछ यूज होता है जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है, क्या क्या यूज है वो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि जब आप लोग यूज और मोटार ऐसा लिख लो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट टेबल है ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर लॉग एरिया, तो इसके अंदर आप कौन सा कितना मोटार यूज करते हो, मैं कहना चाहूंगा 1:3 का, कौन सा है भैया, सीमेंट मोटार की बात चल रही है, 1:3 का जाता है। अगर आप यहाँ पर प्लास्टर वर्क की बात करते हो, प्लास्टर वर्क के लिए 1:3 से लेकर 1:4 तक का मोटार यूज होता है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा लाइनिंग ऑफ उसके बाद कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों लाइनिंग ऑफ कैनाल, लाइनिंग ऑफ कैनाल के केस में कौन कितने तक का मोटार यूज होता है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, 1:3 का यूज होता है, 1:2 to 1:3 कर लो। उसके बाद एक और लिखवाना चाहूंगा आप लोगों को, दैट इज द रीइंफोर्स ब्रेक वर्क, रीइंफोर्स ब्रेक वर्क, ये चार इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना आप लोग, इसमें 1:3 का यूज होता है। अब यहाँ से एक चीज बताना चाहता हूँ, जनरली एक चीज ध्यान रखना कि 1:3 इज यूज मैक्सिमम, मैक्सिमम जनरली 1:3 यूज होता है, ठीक है। और आप लोग अपने आरसीसी जो आप घरों में यूज करते हो, आरसीसी वर्क के अंदर आप लोग कितने का मोटार यूज करते हो, असली में, असली में मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली आप कितने का यूज करते हो, 1:4 से लेकर 1:6 तक का, ये जनरली आपके ठेकेदार यूज करते हैं, बिकॉज इसमें आपको एक तो कॉस्ट कम हो जाती है, सीमेंट कम लगता है, दूसरा वर्केबिलिटी अच्छी हो जाती है जिसके कारण जल्दी जल्दी काम हो जाता है और आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और बहुत गंदा है, वेरी पुअर कोई है अगर
नीच है, अपने कार्य में बहुत चोरी करने की कोशिश करता है, जो देश से और देश की जनता से खिलवाड़ करता है, वो 1:10 का बना देता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं काट कर चला गया। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है, बहुत जरूरी है, क्लियर है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब इस चीज की बात हम करते हैं। यहाँ से देखो, इसमें एक चीज और आती है कि कैसे अपने आप क्यूब मोर्टार का टेस्ट करते हो। इम्पोर्टेंट है कि अपने मोर्टार की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेस्टिंग मोर्टार कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मोर्टार की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे टेस्ट होती है, छोटा सा प्रोसीजर है। पहला आता है 6 क्यूब आपको प्रिपेयर करने हैं, 6 क्यूब आपको प्रिपेयर करने हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर SSC। सेकेंड प्रोसेस क्या है इंपॉर्टेंट फॉर SSC है कि क्यूब का साइज क्या था, 70.6 mm साइड होनी चाहिए आपकी क्यूब की, यानी 50 सेंटीमीटर, 50 mm स्क्वायर, आप 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया रहेगा। इतना रहता है, ठीक है। उसमें आप वाटर कितना ऐड करते हो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वाटर ऐड, ये ए कर लो, ये बी कर लो, वाटर कितना ऐड करा जाता है, P/3 + 4%, ये क्या होता है, पी कहलाता है वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अब इस शब्द को देखो, अभी ज्यादा दुविधा में मत लेना, मैं आप लोगों को कल सुबह सीमेंट पढ़ाऊंगा, उसमें सीमेंट में आ जाना, मैं पहली कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज बताने वाला हूँ सीमेंट के अंदर जो आपने सुनी नहीं है। मैं कंटेंट जो है IAS का ला रहा हूँ, तो अब IAS ही पढ़ाऊंगा, बहुत ऐसी चीजें हैं पहले ही लेक्चर के अंदर जो सुनी नहीं, कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट जाएगा, और शाम के सेशन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 5 बजे शाम को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं आप लोगों को जो पेड़ में पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोग अगर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि YouTube का कोई भरोसा नहीं होता, समझ रहे हो। तो आप लोगों को कोड यूज अगर लेना चाहो, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी, मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, और मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, मेरे भरोसे मत बैठना, और भरोसे तो किसी के भी मत बैठना, प्रिपेयर करने आए हो प्रिपेरेशन करते रहना, भरोसे मत बैठना, ठीक है। मैं आज भी यही बात कहूंगा, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और एक एम्प्लॉय की तरह ही यहाँ पर रहना पड़ता है। तो NG-like कोड है, ध्यान रखना। अभी बात आती है यहाँ से, वॉटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, वो है आपका P। तो अभी दूसरा पॉइंट, ये ए और बी खास थे आपके SSC पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा पॉइंट कहता है कि इनको 24 घंटे के लिए आप सेट होने के लिए रख दो, उसके बाद प्यारे दोस्तों आप 7 दिन के लिए इनकी क्यूरिंग कर, ठीक है। एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों ने अपना कंक्रीट का टेस्ट करा था, सिमिलर टेस्ट ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल वो ही है, बस आपका एक तो साइज होता है, क्यूब वेरी करता है और वाटर वेरी कर जाता है, बाकी सब कुछ वही होता है, कोई फर्क नहीं होता ज्यादा इसमें आप लोगों का। और उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होता है, आप लोगों को लोड लगाना पड़ता है, लोड लगाने के बाद आप इसका टेस्ट करते हो। लोड लगाओगे कौन सा, कितना लोड, 350 kg/cm², यानी आप इसको और कह सकते हो 3.5 N/mm² का लोड लगाया जाता है। उसके बाद आप लोग प्यारे दोस्तों फेलियर लोड निकालते हो, और फेलियर लोड निकालने के बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हो, बिल्कुल कंक्रीट जैसा। कंक्रीट का सेशन देखना, काफी कुछ इंटरेस्टिंग बताया था, ठीक है। मोर्टार इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, क्लियर है। चलो अभी अरे क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज कैनाल, लकी कुमार, कैनाल इज डिफाइंड है, अरे ऐसे नहीं बोलते, यू आर सिविल इंजीनियर निरंजन कुमार, ऐसे नहीं बोलते जब आप पढ़ने आए हो। लकी कुमार हो सकता है नया नया पढ़ने आया हो, तो जब आप नए नए आए थे तो शायद आपको भी नहीं पता होगा, ऐसे नहीं बोलते। कैनाल जो कहते हैं नहर, देखिए नहर, और नहर को इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल, ठीक है। इरिगेशन में आपको डीप में पढ़ाया जाएगा, ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज फाइनल एंड इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द क्यूब, लकी कुमार ये क्वेश्चन जो है बड़ा बेकार का है। इनिशियल सेटिंग टाइम आप कह सकते हो जो 24 घंटे के बाद आप उसको ना सेट कर देते हो, एक्चुअली में तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपका जनरली यहां से आधे घंटे में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम आप देखना चाहो अगर 100%, तो वो आपका मिलता है लगभग 120 मिनट में मिलता है, लाइन मोटार के जितना, ठीक है। वैसे स्ट्रेंथ आपकी वेरी करती है, तो हम इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो क्यूब का नहीं निकालते, वो एक्चुअली में हम सीमेंट का निकालते हैं, क्योंकि उसी के कारण आपका सेटिंग और हार्डनिंग होता है, वो मैं आपको कल सुबह 8:30 बजे पढ़ाऊंगा। चलिए अभी बात को समझते हैं, बहुत करते हैं आज का सेशन,
क्लियर करते हैं, यही पढ़ाना था। और आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस, प्लीज इसके नोट्स बनाते रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है मैं बीच में हटा देता हूँ, तो नोट्स आप लोग अपने हैंड रिटन जरूर बनाना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बनाने से आप लोगों को ये चीजें काफी क्लियर होती है। दूसरी बात, जो भी आप लोगों ने ग्रुप बना रखे होंगे, बच्चे बना के रखते हैं, वो ग्रुप्स में आप लोग इसका लिंक शेयर करना, ये अपडेटेड कंटेंट है, सारा का सारा IAS लेवल का कंटेंट है, ये सारे IAS में पूछे जा चुके हैं, वो ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, IAS का एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे अभी दिमाग में आया, वो लिखो जरा सा, जल्दी जाते भी कुछ कुछ आ जाता है। 3 दिन के बाद 3 days स्ट्रेंथ ऑफ द मोर्टार कितनी कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका IAS के अंदर। तो भैया ध्यान रखना, अगर आप मोर्टार विद ओपीसी 33 ग्रेड के साथ बना रहे हो, सीमेंट मोर्टार ओपीसी विद 33 ग्रेड सीमेंट उसके साथ बना रहे हो, तो 16 मेगा पास्कल की आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आप ओपीसी 43 ग्रेड के साथ अपना मोर्टार बना रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी 23 मेगा पास्कल तक होनी चाहिए 3 दिन में, 3 दिन की बात चल रही है, क्वेश्चन यही था। और अगर आप ओपीसी 53 ग्रेड की बना रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी 27 मेगा पास्कल तक होनी चाहिए। कोड की बात करो तो कोड इज नॉट इम्पोर्टेंट, इनके कोड भी होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है भी, तो भरना नहीं है, बस इतना ही, कोड इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं याद करना, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो जय हिंद जय भारत मेरे साथ बनने के लिए जो बच्चे ये सोचकर निकल गए थे कि अब सेशन ओवर हो गया, वो पछताएंगे, क्योंकि अभी की चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई है। हाँ जी, 28 दिन में भी मैक्सिमम होती है ना, 28 दिन में मैक्सिमम कह सकते हो, हाँ 99-28 में आ जाती है। चलिए, सिविल टेक्निकल का ये अच्छा लगा मुझे कि इनको पता है, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछ सकता है, IAS में पूछा हुआ है, सो जन शेयर कर देना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में डाल देना। सो थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी, जय हिंद जय भारत। शाम को 5 बजे मिलते हैं, IAS और SSC JEE के फुल क्वेश्चन करेंगे, कंक्रीट के, स्टोन्स के, लाइम्स के, सैंड के, मोर्टार के, जो पढ़ाया है उनके सबके SSC और IAS के क्वेश्चन करेंगे, करीब और करीब एम रहेगा 30 क्वेश्चन करने का, 30 क्वेश्चन शाम को 5 बजे आप लोगों को करवाने आऊंगा, कोशिश रहेगी 30 क्वेश्चन तो कर ही लूं, उससे ज्यादा भी करवा दूंगा, बेहतरीन जाने वाला है आप लोगों का शाम का 5 बजे का सेशन। और बताना चाहूंगा, डेली आता हूं 5 बजे और 8:30 बजे, आप लोग बना करो मेरे साथ, और बहुत जल्दी आप लोगों को स्पेशल क्लास लेने वाला हूं, ऐप पर चलेगी, अनअकैडमी की ऐप पर चलती है स्पेशल क्लास, बता दूंगा, एक दो दिन में लगाने वाला, और वो खास रहेगी स्पेशल, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यहाँ पढ़ा दिया वहां क्वेश्चन, नहीं, यही पे चलेगा पढ़ाई और क्वेश्चन, वहां कुछ स्पेशल कराऊंगा जो बच्चों को पता नहीं होता और इंटरेस्ट आ जाता है। मेरी स्पेशल क्लास का रिस्पांस देखा, पहला ऐप पर जाना अनअकैडमी पर, वहां पर सर्च करना निखिल सर स्पेशल क्लास, इतना तगड़ा रिस्पांस आया ना पहली स्पेशल क्लास में, लाइक्स देके, और उसके बाद हैट मिलती है वहां पर, ऐप पर क्या होता है, हैट डेडिकेट करते हैं, जिन बच्चों को पसंद आती है ना वो क्या करते हैं, एक गिफ्ट देते हैं टीचर को, तो वहां पर अनअकैडमी पर ही है, फ्री है, वो पैसा नहीं लगता, हैट देते हैं, तो वो बच्चों ने बहुत सारी दी है मेरे को एक ही सेशन के अंदर, तो स्पेशल क्लास लेने वाला हूं, और जिन्होंने देखनी है वो पहले वाली भी देख सकते हैं, उसमें भी कुछ खास बताया है। तो जय हिंद जय भारत मेरे साथ बनने के लिए यहां पर आप सभी का शुक्रिया, बाय।